अरे भाई, क्या टीजर है, क्या ट्रेलर है, गजब के ही कैरेक्टर ले रखे हैं। थ्री में मजा आएगा भाई साहब, ऐसी तगड़ी मूवी आखिर बनाता कौन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्लिक्स अनपैक्ड पर। आखिर हमारी इंतजार की घड़ी खत्म होती है, तो फाइनली स्त्री के बाद अब स्त्री 2 का भी रिलीज पक्का हो गया है। पब्लिक पागल हो चुकी है स्त्री मूवी देखने के लिए। उसमें जो राजकुमार राव का रोल था भाई सब, क्या ही है, बंदा बहुत तगड़ा है। अब स्त्री 2 का फाइनल टीजर आ गया है, ट्रेलर आ चुका है और मूवी भी बहुत ज्यादा ही शानदार होने वाली है, क्योंकि वो आने ही वाली है थोड़े टाइम में। बस हमें थोड़ा सा और वेट करना है, जो कि हमें बहुत ज्यादा ही शानदार नजर आने वाली है। जैसे कि स्त्री में दिखाया गया था कि फाइनली सबको स्त्री से छुटकारा मिल गया था, क्योंकि राजकुमार राव ने स्त्री के बाल काट दिए थे। बट लास्ट में वो मोमेंट जहां राजकुमार राव श्रद्धा कपूर को बस में बैठाता है और श्रद्धा ने वो कटे हुए बाल अपने में लगा लिए थे, वो बहुत ज्यादा ही अलग सीन था। बट अब स्त्री 2 का ट्रेलर की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि स्त्री जा चुकी है, बट चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्नों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब स्त्री जाती है तो वो आता है। वो कौन आएगा, मतलब तब राजकुमार पूछते हैं कि कौन आएगा, तब बताया जाता है कि वही जिसने उस वैश्या को मारकर स्त्री बनाया था, उसको पूरा इतिहास एक ही नाम से जानता है, सरकटा। तब राजकुमार राव बोलते हैं, हम सरकटे के बारे में क्या जानते हैं। तब अभिषेक बोलता है, सरकटा का सरकटा हुआ है। भाई साहब, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। हर एक करेक्टर में इतने तगड़े वाले सूट करते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि है क्या। यही वो अभिषेक है जो बहुत तगड़े लगते हैं मुझे। अब राजकुमार राव के दोस्त बोलते हैं, भाई तेरी गर्लफ्रेंड तेरी फैंटेसी है। तब राजकुमार बोलते हैं कि वो सच्ची मोहब्बत है हमारी। तब राजकुमार राव के दोस्त बोलते हैं, ये सच्ची मोहब्बत आखिर मिलेगी कहाँ पर। तब सडनली श्रद्धा की एंट्री हो जाती है बड़े ही डैशिंग स्टाइल में, जिसे देखकर राजकुमार राव बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप सच में आ गई। अब राजकुमार राव बोलते हैं, आपको पता है सब लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, चलावा, पिशाचनी, चुड़ैल, सोनम बेवफा, टुकरा के मेरा प्यार तेरा इंतकाम देखेगी। इससे श्रद्धा हंसने लग जाती है। और आपको पता है हमारे बारे में क्या बोलते हैं, चंदेरी का देवदास, बर्बाद आशिक, विक्की बाबरा, सस्ता रांझा, मजनू का भांजा, चन्ना मेरिया, पागल प्रेमी, दुखी दर्जी, टूटा दिल, शहजादा, जिसका प्यार रह गया आधा, कबीर सिंह, सुखा वर्जिन। सीरियसली क्या है यार, क्या है ये, मजा आ गया बोलते बोलते, मुझे खुद ही मजा आ रहा है। अब श्रद्धा और राजकुमार राव एक अलग ही रोमांस में चले जाते हैं, जिसमें हंसते हंसते श्रद्धा और राजकुमार राव की शर्ट फाड़ देती है और वो हंसता रहता है। लिटरली इन दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगती है साथ में। अब बात करते हैं सिरकटे की। ये सब लड़कियों को उठाकर ले जाता है, जैसे कि स्त्री लड़कों को उठाकर ले जाती थी। अब पूरे गांव वाले राजकुमार राव को बोलते हैं कि विक्की बेटा, अब तुम्हें ही सरकटे को भगाना पड़ेगा, तुम ही बचा सकते हो सब लोगों को। तब राजकुमार राव बोलते हैं, भाभी भांग चढ़ा कर आई हो क्या, अगर बच्चन जी के ऊपर आमिर खान भी खड़ा कर देना तब भी हम उनकी बस कमर के ही आएंगे। अब सरकटा का अटैक बहुत ज्यादा ही फैल चुका था, वो घरों का दीवार तोड़कर लड़कियों को उठाकर ले जाता था। सरकटा एक इन्फ्लुएंसर है, जो कि आदमियों को टारगेट बनाकर उनको अपनी टीम में जमा कर रहा है, जिससे उसके पास ज्यादा औरतें आए। उसे चंदेरी के हर एक मर्द को अपने वश में कर लिया था। अब श्रद्धा बोलती है कि अब महापूजा तक सिरकटे को रोकना होगा, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा। अब श्रद्धा सरकटे के साथ लड़ाई करती है। अब वो उसमें अपने वो लंबी चोटी निकाल लेती है, उस सरकटे के सर को पकड़ लेती है। अब चंदेरी को कोई भी बचा सकता है तो वो सिर्फ राजकुमार राव है। तो राजकुमार राव एक राजा के गेटअप में आ जाते हैं और एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ सिरकटे ने उन औरतों को रख रखा था। वो सभी एक विधवा के गेटअप में थी, जिसपे उनके सर पे बाल भी नहीं थे। राजकुमार राव के साथ अब श्रद्धा ने भी अपनी चोटी के साथ लड़ने में लग गई थी। अब यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट होने लग गए थे। लास्ट में राजकुमार राव बोलते हैं, इस सरकटे पुरुष को हराने के लिए हमें एक रास्ता मिल गया है। अब राजकुमार राव स्त्री से हेल्प लेने जाते हैं, जहाँ वो बोलते हैं, सॉरी चुड़ैल जी, मैंने तुम्हारे बाल काट दिए थे, अब मैं तेल लगा के तुम्हारी चंपी कर दिया करूंगा, तुम्हारे बाल वापस से आ जाएंगे, बस मेरे कपड़े मत फाड़ना। भाई साहब, ये मूवी बहुत ज्यादा फनी होने वाली है सीरियसली। और लास्ट का वो सीन जब सारे बाइक पर जा रहे होते हैं और वो सिरकटे एकदम से कहीं से आ जाता है और अभिषेक के पिछवाड़े पर काट देता है, तब अभिषेक बोलता है, अरे काट दिया रे हई दैया रे दैया। भाई साहब, क्या मजेदार सीन है, सही में राजकुमार राव तगड़े ही हैं। आप सबकी क्या राय है इस ट्रेलर को लेके कमेंट में जरूर बताना प्लीज। और अगर ट्रेलर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।